हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर, चैप्टर नंबर 26, डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। तो चलिए पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा के बारे में। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेज। क्या आपने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक, लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे खास बातचीत की, आओ उसे पढ़ते हैं। तो वाहिदा से क्वेश्चन किया गया, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वाहिदा ने बताया, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी, दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं थाना मंडी नाम के एक बहुत छोटे गाँव से हूँ, यह जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। एंड उन्होंने बताया, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल। उन्होंने बताया कि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती हैं। हाउ एवर फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ वॉट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी और मुझे आगे पढ़ने की भी इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उन्होंने बताया कि उस समय हमारे इलाके के लिए ये नई बात थी, इसके कारण मेरे मम्मी पापा को भी बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गाँव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे और मैंने वहाँ से बारहवीं की पढ़ाई की। उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्या आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? तब वाहिदा ने उत्तर दिया, इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वाज वेरी फाउंड ऑफ राइडिंग ऑफ मोटरसाइकिल। जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी, मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। वी आर थ्री सिस्टर्स, माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर। ही वॉन्टेड द थर्ड डॉक्टर टू बिकम अ लॉयर एंड जॉइन टू पुलिस फोर्स। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज़ इन द जम्मू पुलिस फोर्स। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर कैसे बनी? इसके लिए उन्होंने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की और जो मेरे दोस्त और घर वाले थे उन्होंने भी मेरी बहुत मदद करी। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। उनसे अगला क्वेश्चन किया गया, हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस फोर्सेज, डिडेंट योर फैमिली स्टॉप यू? उनसे अगला क्वेश्चन किया गया कि आप सेना में कैसे आईं, आपके घर वालों ने नहीं रोका? तो उन्होंने बताया, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यह नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी, मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपना था और स्कूल के समय में कैंपों में भी मैं जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी मैं। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ।